अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कर दिया बड़ा कांड। भारत ने कहा अपनी हद में रहे चीन, अरुणाचल प्रदेश के ख्याली पुलाव देखना छोड़ दे चीन। भारत की चेतावनी, अरुणाचल प्रदेश पर अगर चीन ने बुरी नजर डाली तो अपने सैनिकों को गंवा बैठेगा चीन। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन दरअसल शांति चाहता ही नहीं है, वह भी चाहता है कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हो, जिस कारण वह हर 15 दिन बाद कोई न कोई ऐसा काम कर देता है जिससे भारत चीन के रिश्ते और बिगड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, परसों को चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद चीन की इस छोटी हरकत पर पूरा विश्व हंस रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक भाग मानता है, जिस कारण चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी चीन का ही है। लेकिन बीते इन 70 साल में चीन अरुणाचल प्रदेश का एक भी भाग नहीं ले पाया है। दोस्तों, परसों चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम अपनी चीनी भाषा में रखे हैं, जिस पर भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदलने की कदम पर बृहस्पतिवार को कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह राज्य हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि गड़े गए नामों से तथ्य नहीं बदलेगा। चीन ने भारत के पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों को चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी है, ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने का प्रयास किया है। चीन ने अप्रैल 2017 में भी इसी तरह से नाम बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश सदैव भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम गढ़ने से यह तथ्य नहीं बदलेगा। भारत की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा, जांगनान चीन के तिब्बत का दक्षिणी भाग, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। लिजियान ने चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट अद्यतन टिप्पणियों में कहा, यह प्राचीन काल से चीन का क्षेत्र रहा है, चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है। इससे पहले लिजियान ने कहा, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से संबंधित है और यह चीन का अंतर्निहित क्षेत्र रहा है। लिजियान ने कहा, चीन के जातीय अल्पसंख्यक जैसे मोइनबा और तिब्बती जातीय समूह इस क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं और कई जगहों के नाम दिए गए हैं। उन्होंने कहा, चीन के मानकीकृत प्रबंधन के लिए चीन के सक्षम अधिकारियों ने प्रासंगिक नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के लिए नाम प्रकाशित किए हैं। ये ऐसे मामले हैं जो चीन की संप्रभुता के अधीन हैं। चीन ने दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के मानकीकृत चीनी नाम देने का प्रयास किया है। इससे पहले 2017 में 6 स्थानों के मानकीकृत नामकरण की घोषणा की गई थी। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताए जाने के चीन के दावों को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, यह भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, चीन हर बार शीर्ष भारतीय नेताओं और अधिकारियों के अरुणाचल प्रदेश के दौरा का विरोध करता रहता है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चीन के सरकारी भौंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की खिल्ली उड़ाते हुए एक लेख लिखा है, जिसमें उसने भारत के मेक इन इंडिया योजना को असफल बताया है और यह भी कहा कि भारत की मेक इन इंडिया योजना बिना चीन की कंपनियों की मदद के सफल नहीं हो सकती। दोस्तों, दरअसल हुआ यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तब अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत ही खराब थे तथा उसके बाद भी चाइना और अमेरिका के रिश्ते इतने सुधरे नहीं। लेकिन ट्रंप प्रशासन में अमेरिका ने जो बड़ा काम किया वो ये था कि चीन पर भारी मात्रा में आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका ने बहुत सी चीन की कंपनियों पर अमेरिका के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सभी कंपनियों को आखिरी चेतावनी दी थी कि कोई भी अमेरिकी कंपनी चीन में काम नहीं करेगी, जिसके बाद अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, फॉक्सन और बाकी बड़ी कंपनियों ने चीन में अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर भारत और वियतनाम जैसे देशों की ओर अपने प्रोडक्शन प्लांट खोल दिए, जिसके बाद चीन पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि अमेरिका की इन बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन की सरकार अच्छी सुविधा दे रही थी। लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दबाव में इन्हें चीन ने अपना काम, प्रोडक्शन सब बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहां चीन को सबसे ज्यादा बात यह खटकी कि ज्यादातर कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में गई। अब इस बीच एक कंपनी थी फॉक्सन करके, जो एप्पल फोन के लिए उसके
दूसरे पार्ट्स बनाती थी, लेकिन अब ये भी चीन से अपना काम छोड़कर भारत के बेंगलुरु में अपना प्रोडक्शन प्लांट खोल लिया है, जिसके बाद चीन बस भिन भिनाते रह गया। जिसके बाद दोस्तों बीते बुधवार को भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि एप्पल फरवरी 2022 से भारत में आईफोन 13s का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। उसी दिन रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की खबर आई थी कि दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास एप्पल आपूर्तिकर्ता फॉक्सऑन का प्लांट इस सप्ताह बंद रहेगा, क्योंकि वहां पर कार्यरत लोगों का खान पान और रहने की सुविधा जो थी वह काफी निचले स्तर की थी। जिसके बाद फॉक्सऑन कंपनी ने कहा कि हम इस प्लांट को एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं ताकि कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण कर सके। अब दोस्तों इसी पर चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत की मेक इन इंडिया योजना की खिल्ली उड़ाई है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि यह प्लांट विरोध के कारण उत्पादन निलंबन एक साल के भीतर भारत में एप्पल आपूर्तिकर्ता कारखाने जो बेंगलुरु में स्थित है होने वाली यह दूसरी घटना है। दिसंबर 2020 में विस्ट्रॉन कॉर्प में स्वामित्व वाली एक फैक्ट्री में हजारों कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों ने उपकरण और वाहनों को नष्ट कर दिया, जिससे रॉयटर्स के अनुसार $60 मिलियन का नुकसान पहुंचा। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत का गौरवपूर्ण मोबाइल फोन निर्माण उद्योग चीनी निवेश और प्रौद्योगिकी से परे नहीं है। महामारी से पहले 2019 में भारतीय बाजार में शिप की गई 158 मिलियन यूनिट्स में से लगभग 114 मिलियन चीनी ब्रांड थे, जिनमें Xiaomi, Vivo और Oppo सबसे आगे थे। हालांकि महामारी के बाद से वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला में पुनः समायोजन और अमेरिका के विघटन के एजेंडा का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार का मानना है कि देश के पास चीन से दूर कंपनियों को लुभाने का एक बड़ा अवसर है। साथ ही भारत की घरेलू चीनी विरोधी ताकतों ने भी चीन उत्पादों और ब्रांडों का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए सीमावर्ती घटनाओं का इस्तेमाल किया है। भारतीय अधिकारियों ने चीनी ऐप्स के खिलाफ प्रतिबंध जैसे भेदभावपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपायों की एक श्रृंखला लागू की है, लेकिन भारत को ये उम्मीद नहीं थी कि यह महामारी देश के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक अवसर से अधिक संकट बन गई है। महामारी के दौरान भारत के मोबाइल फोन उद्योग के भीतर अनुभव की गई असफलताओं से पता चलता है कि भारत के लिए चीनी विनिर्माण को पकड़ना आसान नहीं है। चीनी विनिर्माण को बदलने की बात तो छोड़ दे, सीधे शब्दों में कहे तो भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में चीन की स्थिति को नहीं हिलाएगा। भारतीय मोबाइल फोन उद्योग को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए चीन से लगभग 75% से 78% भागों और घटकों का आयात किया जाता है। चीन पर इतनी भारी निर्भरता के साथ मोदी प्रशासन के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना ना समझी और अवास्तविक है। दोस्तों ये सारी बातें चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने अपने लेख में लिखी है, जिससे चीन साफ तौर पर कह रहा है कि भारत की मेक इन इंडिया योजना बिना चीन की कंपनियों के विफल है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत को चीन की कंपनियों पर एक्शन लेने से पहले सोचना होगा। अब दोस्तों भारत चीन के इस टूचे मुचे लेखों पर टिप्पणी करता नहीं है, भारत सीधा एक्शन करता है, जिसका खामियाजा चीन भुगत चुका है। अब भारत ने पिछले साल चीन की 200 से अधिक ऐप को बैन कर दिया था और हाल ही में तकरीबन 10 दिन पहले ही आयकर विभाग ने पूरे देश में 10 जगहों पर चीन की मैन्युफैक्चरर कंपनियों ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और Xiaomi पर रेड डाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन की ये कंपनियां टैक्स चोरी कर रही थी। तो दोस्तों चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नाम बदलने तथा जिस तरह भारत ने हाल ही में चीन की कंपनियों पर एक्शन लिया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।